हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ मोना। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ था ना, हम शाम को मार्केट गए थे, उसके बाद आके मैं नहाई हूँ। तो अब रात का टाइम है और शाम से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो रात का टाइम है, तो क्या मेकअप करना। आप लोग बोलते हैं बिंदी, तो बिंदी अभी मुझे आसपास दिख नहीं रहा है, तो मैंने नहीं लगाया है, सॉरी, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा। और कहते हैं कि मेरे सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि बिंदी लगाते हो तो अच्छी लगती हो, तो थैंक यू सो मच। आप लोग इतना प्यार देते हैं मुझे, इतनी छोटी छोटी चीज़ आप लोग नोट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग बोलते हैं। तो आज मैंने सुबह से कोई वीडियो शूट नहीं किया। पता है हस्बैंड की छुट्टी, आज सैटरडे है और हस्बैंड की छुट्टी है, तो घर पर काम हो जाता है। रूश आ गया था अभी और उसे पता नहीं क्या देखना है टीवी में, समझ नहीं आता है। खुद अभी लगाना आता नहीं है और उसे पागल करके छोड़ देता है, क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है कुछ समझ नहीं आता, बस रोने लग जाएगा। दादी उसे झेलती हैं, बेटा ये लगा दूँ, बेटा ये लगा दूँ, बेटा ये लगा दूँ, बेटा कहाँ सुनने वाला। तो आज मैं बना रही हूँ छोले भटूरे, तो देखते हैं अगर दिखा पाए तो। और शॉपिंग, आज बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली है मैंने। एक्चुअली क्या है, ग्रॉसरी का भी कहीं से कट कट की आवाज़ आ रही है, चूहे तो है नहीं घर में, कि बगल वाले के घर से आ रही होगी। तो ग्रॉसरी लेके आई थी और ग्रॉसरी में क्या लेके आई हूँ ना, मैं दिखाती हूँ आपको। काम को 5,000 का, 5,000 की शॉपिंग की है और 5,000 की शॉपिंग में यही सब है बस। ये शॉपिंग है, दुकान लगी हुई है पूरी, इसमें कुछ कुछ ये सब काम का है, काम का तो ये सब भी है। और ये आरुष आए हैं और पूरे घर पे ऐसी ना बेडशीट जो मैंने धुला था वो डाल दिया है मम्मी ने यहीं पे, और ये कपड़ा फोल्ड करके रखे हैं, इसको अलमारी में रखना। पूरा घर में अभी मैसी हो रखा है, कल करूँगी मैं जो भी करना है। और आरुष मुझे कहाँ लेके जा रहे हो बेटा, कहाँ लेके जा रहे हो, क्यों हटा रहे हो इसे, क्यों हटा रहे हो, तो बस यही सब सामान है। जीरा वगैरह ख़त्म था, मसाला दिखाती हूँ, ये सब मसाला ख़त्म था तो मसाला लेके आई हूँ मैं। इसी में आज बिजी रहेगी पूरे टाइम। आरुष खेल भी रहा है इसी से, तो बस यही सब लेके आई थी मैं। लेके आई हूँ मैं ट्राईपोर्ट पे, फ़ोन लगाती हूँ फिर दिखाती हूँ। और उसने ना बनियान निकाल के रख दिया है मेरे पैर के नीचे आ गया। गंदा बच्चा है ये बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा कि कुछ वीडियो नहीं बनाया मैंने, तो थोड़ा सा कुछ भी शूट करके मतलब आप लोगों के साथ शेयर करूं, कि वेट करते हैं बहुत सारे लोग मेरे वीडियो का। तो मैं लेके आई हूँ कुछ, मैं दिखाती हूँ। ये आरुष के लिए मेरी आदत है ना, मैं बाहर जाती हूँ ना तो कुछ ना मैं लेके आ जाती हूँ। तो ये लेके आई हूँ मैं आरुष के लिए, और बहुत सारे बीच में तो आरुष के टी शर्ट वगैरह लेके आई, वो मैंने दिखाया ही नहीं। ये है टी शर्ट, ये इसका पैंट और ये बाजू वाला टी शर्ट है। उसके बाद लेके आई हूँ मैं ये लोअर, ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत प्यारा है, ये देखिए इस टाइप का, और इसका कपड़ा बहुत प्यारा है। तो ये मुझे एक लोअर चाहिए था, तो ये मैंने एक लोअर ले लिया है। और आरुष के लिए एक सैन जो बनियाए लेके आए हैं, ये देखिए कि बहुत प्यारा लग रहा है छोटा पूसा, तो पहनाऊंगी मैं तो दिखाऊंगी आप लोगों को। इसके बाद हस्बैंड के लिए टी शर्ट लेके आए हैं, ये और ये, और एक ये उन्होंने पहन लिया है, 3 का पैक था। और ये आरुष ने इसमें कुछ कुछ लगा दिया है, क्ले से खेल रहा था, उसे यहाँ से इसने पकड़ लिया। और लास्ट वन मैं दिखाती हूँ, मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था इस टाइप का। ये वन पीस है, इसे मैं घर में नाइटी के टाइप भी पहन सकती हूँ। दिखाती हूँ मैं इस तरीके से,
तो ये देखिए ये बहुत प्यारा लग रहा है, और ये इसमें बेल्ट भी दे रखा है, अगर मुझे ऐसे करके टाइट करना है तो मैं टाइट भी कर सकती हूँ, और फिटिंग करवाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मैं फुल दिखाती हूँ, और कलर ये मेरे हस्बैंड ने पसंद किया है, मैं रेड कलर ले रही थी, रेड कलर कमज़ोरी है मेरी। तो ये आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगेगा, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था ये। और कुछ लोग जो हैं जो कहते हैं मुझे ढंग के कपड़े पहने करो, उनको शायद प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि भैया मैं तो पहनूंगी, आपको प्रॉब्लम है तो ठीक है मैं तो पहनूंगी। और मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया कि भाई जिसका जैसा मन करता है वो पहन सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी सासू माँ तो और देख के खुश होगी कि हाँ तुम्हें स्लीवलेस चाहिए था तो स्लीवलेस मिल गया है। और ये बैक में यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे इस टाइप का है, और ये बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग मुझे इसके लिए स्पेशल कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। चेंज कर लिया है क्योंकि इसे मैं पहनूंगी मंडे वाले दिन, चेंज करके जब देखती हूँ तो शायद साड़ी पहनूंगी और चेंज करूँ। इधर आओ बेटा, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये दिन में सोया नहीं है इसीलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि क्या है ना, और उस मिनट में आके तंग करता है, इसी वजह से ना मैं कर नहीं पाती हूँ। और रूटीन तो मैं डालना चाहती हूँ, मुझे भी लगता है, पता है आपको मैं 2-3 दिन का वीडियो बताइए क्या करती हूँ, सुबह से स्टार्ट करती हूँ और दोपहर में लाके मैं डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि फिर मेरे को लगता है यार ये इतना वीडियो मैं क्या डालूँ, इतना क्या डालूँ, और हो नहीं पाता। फिर मुझे लगता है कि उम्मीद तो नहीं है शाम तक मैं वीडियो शूट कर पाऊँ, क्योंकि वीडियो शूट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हर जगह आप जो काम कर रहे हो ट्राइपॉड ले जाके वीडियो बनाओ और प्लस आप काम भी करो। तो जब मुझे जल्दी होती है ना किसी चीज़ की तो फिर मैं नहीं बना पाती हूँ वीडियो। तो ये तो आज का दिन तो मेरा ऐसे ही चला गया बाहर शॉपिंग करने में, और बाहर जाते हैं तो कुछ ना लें ऐसा हो नहीं सकता, और हस्बैंड ने बोला चल शॉपिंग करा के ले जाओ, तो लेके आ गई। और भी कुर्ती मेरे को लाना है, मैं कुर्ती और लेके आऊँगी ना तो मैं दिखाऊँगी, ऐसा नहीं है कि उन मैम के बोलने पर मैंने सोचा कि मैं कुर्ती लेके आऊँगी, कुर्ती पहनना मुझे अच्छा लगता है। और जैसे मैं बाहर जाती हूँ ना किसी चीज़ के लिए, जैसे कहीं घूमने जाना तो मैं जींस टॉप प्रेफर करती हूँ, क्योंकि आरुष भी होता है और उसमें ज़्यादा हौच-पौच नहीं होता, मतलब कि इधर से चुन्नी लेना साड़ी संभालना ये सब नहीं होता, तो मैं जींस टॉप पहनना प्रेफर करती हूँ। तो देखती हूँ अब इसके आगे मैं कितना वीडियो शूट कर पाती हूँ, क्योंकि नाइट तक कहीं वीडियो जो भी शूट करूँगी मैं आप लोगों मैं पब्लिश कर दूँगी, क्योंकि मैं बड़ा वीडियो देखती हूँ नहीं हो पाता है, मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो छोले मेरे उबल गए हैं, बॉयल हो गए छोले, और अभी भटूरे का तो आटा गूंदा हुआ है उसका कोई टेंशन नहीं, तो छोले मुझे फ्राई करना है बनाना है। इस बीच में मैं एक चाय पीऊँगी, घर में कितने भी हो मैं चाय ना पीऊँ तो ऐसा हो नहीं सकता है। और ये देखिए ये मैंने कड़ा पहन लिया है, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो चूड़ी पहन के ना मुझे आदत नहीं है चूड़ी पहनने की ना, तो मैं चूड़ी पहन के अच्छा तो लग रहा था बट मैंने उसे रख दिया उस ग्रीन वाली साड़ी के लिए। तो और ये कड़ा पहन लिया, इसके भी अभी एक एक और बाकी है, एक एक मैंने पहन लिया है। तो चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में, पहले हम छोले फ्राई कर लेती हूँ, प्याज वगैरह मैंने काट के रख लिया है।